प्रदेश के अमरोहा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैदन गली आरोग्य मेले का रिबन काट कर शुभारंभ करते हुए मेले में लगी प्रदर्शनी को देखा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए हो रही प्रदेश में परीक्षा पर नकल विहीन परीक्षा कराने का दावा किया। वहीं उन्होंने दिल्ली के दंगे को सोची समझी साजिश बताते हुए विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई ना कोई मंत्री हर जगह लगे आरोग्य मेले में वहां पर विचरण करने के लिए गया है और यहां आने मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं हमारी चल रही हैं और यहां के अधिकारियों के बीच में और शिक्षा अधिकारियों के साथ में भी चर्चा होनी है। पूरे प्रदेश में 56 लाख विद्यार्थी बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष से अधिक पारदर्शी परीक्षा हो रही है, परीक्षाएं सही से संपादित हो यह हमारा उद्देश्य है। इसके बाद एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी अभिषेक कौशिक के दादा भागवत शरण शर्मा के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बीच में रिपोर्टर के सवाल पर बिखरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि या तो आप बोल लीजिए या हमें बोलने दीजिए। उन्होंने कहा कि अब विद्यार्थियों को पढ़ना ही होगा क्योंकि हमारा प्रमुख उद्देश्य नकल रहित परीक्षा कराना है। उन्होंने कहा कि जहां पर प्रिंसिपल और शिक्षकों की कमी है वहां पर भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा का मेन एक्सक्यूज भी अमरोहा जिले के इसी इलाके का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि देशद्रोही आचरण का कोई स्थान देश में नहीं है। कुछ लोगों ने जानबूझकर लोगों पर आक्रमण करने का काम किया है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। उनको ये दिखाना कि भारतवर्ष में जो है अशांति है, यानी देश को बदनाम करने का यह षड्यंत्र था। और मैं सोचता हूँ कि देशद्रोही आचरण की कोई स्थान प्रदेश देश में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने जान के निरीह लोगों को मारने का, उन पर आक्रमण करने का काम किया है, वो बक्से नहीं जाते। कांग्रेस के पार्षद का भी नाम सामने। अब देखिए, हम लोग तो पहले से कहते आए हैं कि विपक्ष की साजिश है। ये NCA का जो धरना है, एनआरसी के नाम, अभी एनआरसी आई नहीं, लेकिन नाम लेकर धरना प्रदर्शन करके हिंसा फैलाना, कि पहले से इसकी बू आ रही थी कि लोग जान के देश को विभाजनकारी नीतियां अपने शक्तियों के द्वारा बांटना चाहते हैं। देश नहीं बढ़ सकता। ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वर्ग विभेद हो और हिंदू और मुस्लिम में मतभेद बढ़े, इसकी कोशिश ये विपक्षी लोग कर रहे थे। विपक्ष के जो तमाम ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश में एकता रहे। अब आपत्ति तो हर आदमी को लगता है कि बीजेपी विकास कार्य को कर रही है और विकास कार्य तेजी के साथ होना ये विपक्ष की परेशानी है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करी थी। उस समय 1959 में इस प्रकार की डिग्री प्राप्त करना एक पिछड़े हुए इलाके में रहने वाले व्यक्ति के लिए बड़ी मुश्किल हुआ करती थी और उन्होंने 1963 में प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त किया और बैचलर ऑफ टीचिंग की उपाधि को भी प्राप्त किया। एक पढ़े लिखे हुए व्यक्ति, एक पिछड़े क्षेत्र से निकले हुए व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार से सबको मिलाकर चलने की प्रगति आई, आज हम सब लोग उनकी स्मृति में यहां पर खड़े हैं। ये ईश्वर का क्रम है कि व्यक्ति आता है और चला जाता है, लेकिन भगवत शर्मा जी जिस प्रकार से मुरादाबाद में शिक्षण कार्य करते हुए उन्होंने विद्यालय खोलने की नकली शायद नकली में विद्यालय खोलने की प्रवृत्ति की, आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आने जाने का क्रम ईश्वर के हाथ में है, जो आता है उसे जाना होता है। व्यक्ति रोते रोते आता है और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो शिकायत करते करते बड़ा होता है, इच्छाओं को लाते लाते थोड़ा और बड़ा होता है और एक अवस्था ऐसी आती है कि जब वो वृद्ध हो जाता है तो पछताते पछताते वो हम सबके बीच से चला जाता है और लोग रोते रोते उसे विदा कर देते हैं। यानी रोते रोते आने का क्रम और लोगों को रोते रोते विदा करने का जो क्रम है वो आज का तक सत्य है कि व्यक्ति आएगा तो उसे जाना है,
आया तो रोते रोते और जाया गया तो रोते रोते लोगों ने भेजा। लेकिन हमारे वहां जो हिंदू धर्म है उसमें एक प्रवृत्ति है, एक प्रथा है कि व्यक्ति पुनर्जन्म पे विश्वास करता है, और जब मृत्यु होती है तो हम ये नहीं कहते कि शांति दे। हालांकि कुछ लोग बोल देते हैं कि हे भगवान की आत्मा को शांति दे, लेकिन ये आत्मा चलायमान है, गतिमान है, एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर में प्रविष्ट करती है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम सब बोलते हैं कि हे ईश्वर इसकी आत्मा को सद्गति प्रदान करना। यानी एक आज पूरे प्रदेश में कोई ना कोई मंत्री हर जगह लगे हुए आरोग्य मेला में वहाँ पर विचरण करने के लिए गया है, और मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। साथ में अभी जो परीक्षाएं हमारी चल रही हैं उनके संबंध में यहाँ के अधिकारियों के साथ में और शिक्षा के अधिकारी के साथ में भी चर्चा होना है, बैठक होनी है। पूरे प्रदेश में 56 लाख विद्यार्थी बैठे हैं हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में, और मैं समझता हूँ कि अब की हर वर्ष से कहीं अधिक पारदर्शी परीक्षा हो रही है, नकल विहीन परीक्षा संपादित हो, ये हमारा उद्देश्य है। सर, इसके लिए उत्तर प्रदेश में लगभग 6,500 डिग्री कॉलेजेस हैं अभी सेल्फ फाइनेंस के। सर एक मिनट, अभी मुझे आप या तो बोलने दीजिए, आप बोल दीजिए। आप ऐसे नहीं होता जी, बताइए। 56 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं, और ये मैं हाई स्कूल और इंटर की बात कर रहा हूँ, और इसमें 1,90,000 CCTV कैमरे अब की लगाए हैं, 1,88,000 कक्ष निरीक्षक हैं, और 94,000 कमरों में परीक्षा हो रही है। तो ये परीक्षा नकल विहीन और पारदर्शी हो इसकी हमने पूरी व्यवस्था की है। इसके बाद जो है डिग्री कॉलेजेस की जो डिग्री और यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं हैं वो भी प्रारंभ होंगी, सब नकल विहीन हों इसकी पूरी कोशिश की गई है। और पहली बार NCERT के पैटर्न पे हमने जो है यहाँ पर परीक्षाओं को कराया है, और दूसरी बार परीक्षाओं को कराया है, और हमारा बदला हुआ पाठ्यक्रम में आज देश के जो बड़े बोर्ड हैं उनके समकक्ष पढ़ाई हमारी हो रही है। तो इसलिए पढ़ो भी, पढ़ो पहले और उसके बाद फिर आप परीक्षा दो, यानी बगैर पढ़े परीक्षा नहीं, इसका एक हमने क्रम चलाया, वो काफ़ी सफल हुआ है। सर, उत्तर प्रदेश में लगभग 6,500 डिग्री कॉलेजेस हैं, और यदि बात करें रोहिलगंज परिक्षेत्र की, यहाँ 550 डिग्री कॉलेज और अमरोहा में 55 डिग्री कॉलेजेस हैं, लेकिन उन डिग्री कॉलेजों मात्र 4 या 5 ही डिग्री कॉलेज ऐसे होंगे जहाँ क्वालिफाइड प्रिंसिपल्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, अदरवाइज बाकी डिग्री कॉलेज में कुछ भी नहीं है। जो जहाँ पर प्रिंसिपल की और शिक्षकों की कमी है, तेजी के साथ में हमारे वहाँ भर्ती इसमें जारी है। हर महीने लगभग सैकड़ों की तादाद में टीचर्स और प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, मुझको लगता है जल्दी ये कमी को पूरी कर लेंगे। सर, दिल्ली दंगे का जो मेन एक्यूज है ताहिर हुसैन, तो इसी जिले का रहने वाला है, तो जो अब आप यहाँ इसी इलाके में आप विजिट पे हैं। देखिए, ये एक साजिशन दंगा था कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है ट्रंप आए हुए थे, उनको ये दिखाना कि भारतवर्ष में जो है अशांति है, यानी देश को बदनाम करने का ये षड्यंत्र था, और मैं समझता हूँ कि देशद्रोही आचरण की कोई स्थान प्रदेश देश में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने जान के निरीह लोगों को मारने का, उन पर आक्रमण करने का काम किया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब देखिए, हम लोग तो पहले से कहते आए हैं कि विपक्ष की साजिश है, ये NCAA का जो धरना है, NRC के नाम, अभी NRC आई नहीं लेकिन नाम लेकर धरना प्रदर्शन करके हिंसा फैलाना, ये पहले से इसकी बू आ रही थी कि लोग जान के देश को विभाजनकारी नीतियां अपनी शक्तियों के द्वारा बांटना चाहते हैं, देश नहीं बांट सकता। ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वर्ग विभेद हो और हिंदू और मुस्लिम में मतभेद बढ़े, इसकी कोशिश ये विपक्षी लोग कर रहे थे। विपक्ष के जो तमाम ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश में एकता रहे। बसपा ने भी आपत्ति जताई है राष्ट्रपति जी को। अब आपत्ति तो हर आदमी को लगता है कि BJP विकास कार्य को कर रही है, और विकास कार्य तेजी के साथ होना ये विपक्ष की परेशानी है, इसलिए विपक्ष इस प्रकार का आचरण कर रहा है। धन्यवाद।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.